एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस 1-2-3 पे। अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप बीए पार्ट टू में हैं और आपका सब्सिडरी सोशोलॉजी, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का टॉपिक सोशोलॉजी सब्सिडरी में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित है। पहले भी मैंने सोशोलॉजी सब्सिडरी में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में एपिसोड 1 वीडियो बना के अपलोड कर चुकी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आज मैं एपिसोड 2 का वीडियो बनाऊंगी। 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता दूर करने के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण की नीति को किस वर्ष लागू किया गया? इसका आंसर होगा 1969 ईस्वी में लागू किया गया। 42 नंबर का क्वेश्चन, निर्धनता निवारण हेतु 20 सूची कार्यक्रम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर होगा 1975 वर्ष में प्रस्तुत किया गया। 43 नंबर का क्वेश्चन है, 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। 44 नंबर का क्वेश्चन है, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से है? इसका आंसर होगा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निर्धनता निवारण में व्यक्तियों, सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, पूंजीपतियों व उद्योगपतियों आदि के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है? इसका आंसर होगा सही कथन, ये कथन सही है। 46 नंबर का क्वेश्चन है, बेरोजगार उन व्यक्तियों की निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक है, यह कथन किनका है? यह कथन है फ्लोरेंस का यह कथन है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, सही का चुनाव करें। बेरोजगारी सार्वभौमिक घटना नहीं है, बेरोजगारी एक समस्या है, बेरोजगारी के परिणाम घातक नहीं होते, तीनों गलत है। इसका आंसर होगा बेरोजगारी एक समस्या है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, व्यापार में तेजी, मंदी या उतार चढ़ाव से उत्पन्न बेरोजगारी का क्या नाम है? इसका आंसर होगा चक्रीय बेरोजगारी। इसका आंसर होगा चक्रीय बेरोजगारी। 49 नंबर का क्वेश्चन है, जब व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरी से कम मजदूरी पर काम करने लगता है तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? इसका आंसर होगा अर्ध बेरोजगारी, उसे अर्ध बेरोजगारी कहा जाता है। 50 नंबर का क्वेश्चन है, बेरोजगारी के कारण नहीं है, इसमें गतिशीलता, दोषपूर्ण शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, गतिशीलता। इसका सही उत्तर होगा गतिशीलता। 51 नंबर का क्वेश्चन है, किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बेकारी हटाओ का नारा लगाया? इसका आंसर होगा 1988 वर्ष में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बेकारी हटाओ का नारा दिया था। 52 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा 1993। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रारंभ की गई। 53 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देने से संबंधित योजना को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा टायर सेम योजना के नाम से जाना जाता है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक है, ये सही है, ये सही कथन है, बेरोजगारी और निर्धनता एक दूसरे के पूरक है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, बेरोजगारी के परिणाम नहीं माने जा सकते हैं, इसका आंसर होगा पारिवारिक लगाव। 56 नंबर का क्वेश्चन है, बिरले ही एक स्त्री दुष्य चरित्र होती किंतु जब यह होती है तो वह पुरुषों को भी मात देती है, यह कथन किसका है? लिम्ब्रोसो एवं फेरेरो का यह कहना है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, यह कथन किनका है? वेश्यावृत्ति अधातन या कभी कभी बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ धन के लिए किया गया लैंगिक सहवास है, इसका आंसर होगा स्कॉट का यह कहना है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति की विशेषता है व्यवसाय, अवैध यौन संबंध, गंभीर समस्या, उपयुक्त तीनों, इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों।
59 नंबर का क्वेश्चन है, बेसिया का यह कौन सा रूप है? यह वह बेसिया है जो एक निश्चित अवधि तक एक व्यक्ति से संबंधित रहती है। इसका आंसर होगा रखेल बेसिया। 60 नंबर का क्वेश्चन है, बेसियावृत्ति से आर्थिक कारण में नहीं आते हैं। इसका आंसर होगा परोस। 61 नंबर का क्वेश्चन, वेश्यावृत्ति के परिणाम कहे जाते हैं? वेश्यावृत्तिक विघटन, पारिवारिक घटन, सामाजिक विघटन, उपयुक्त तीनों, इसमें तीनों आते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन, वेश्यावृत्ति एक सार्वभौम समस्या है? इसका आंसर होगा ए, सही। 62 नंबर का क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। वेश्यावृत्ति के परिणाम घातक है, वेश्यावृत्ति समाज के हित में है, वेश्यावृत्ति में भावनात्मक लगाव होता है, वेश्यावृत्ति में भेदभाव होते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ए होगा। इसका आंसर वेश्यावृत्ति के परिणाम घातक है। 64 नंबर का क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति अनेक तरह के विघटनों को जन्म देती है। इसका आंसर होगा ए, सत्य। 65 नंबर का क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया अवैध यौन संबंध जिसे भावनात्मक उदासीनता होती है, यह कथन किनका? यह कथन है, इसका आंसर होगा सी, इलियट एवं मेरियल। इलियट एवं मेरियल का यह कथन। 66 नंबर का क्वेश्चन है, शराब की असामान्यता आदत मदपान है, यह कथन किसका है? यह इसका आंसर होगा डी, फेयर चाइल्ड। यह फेयर चाइल्ड का कथन है। 67 नंबर का क्वेश्चन है, किसने कहा मादक द्रव्य व्यसन देसी अथवा रासायनिक पदार्थों से बनी उन मादक वस्तुओं के सेवन पर हो वाली निर्भरता है जो एक आदत के रूप में व्यक्ति के जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती रहती है? इसका आंसर होगा मेमोरिया, मेमोरिया। 68 नंबर का क्वेश्चन है, सदरलैंड का कहना है कि मादक द्रव्यों का लेना दूसरे व्यक्तियों से सीखा हुआ व्यवहार है, यह किस सिद्धांत का समर्थक है? ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक है। 69 नंबर का क्वेश्चन है, मद्यपान के दुष्परिणाम में व्यक्तित्व विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, इसका आंसर होगा उपयुक्त तीनों, तीनों विघटन है। 70 नंबर का क्वेश्चन है, मद निषेध से संबंधित टेक चंद्र की अध्यक्षता में अध्ययन दल किस वर्ष मनाया गया? इसका आंसर होगा 1963 ईस्वी में मनाया गया। इसका आंसर होगा 1963। 71 नंबर का क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार ने किस वर्ष मद निषेध की नीति लागू की? इसका आंसर होगा बी, 1977 वर्ष में मद निषेध नीति लागू की। 72 नंबर का क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। मद्यपान संबंधित व्यक्तियों की समस्या है, मद्यपान संबंधित व्यक्तियों व परिवार की समस्या है, मद्यपान संबंधित व्यक्तियों परिवार व समाज की समस्या है। इसका आंसर होगा सी, मद्यपान संबंधित व्यक्ति परिवार व समाज की समस्या है। 73 नंबर का क्वेश्चन है, सही का चुनाव करें। पर्यावरण प्रदूषण भारत की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण एशिया की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसका आंसर होगा सी, पर्यावरण प्रदूषण अंतर्राष्ट्रीय समस्या। पर्यावरण प्रदूषण के कारण है औद्योगिक एवं नगरीकरण, वाहनों की बढ़ती जनसंख्या एवं शोर, वनों के कटाव व प्राकृतिक आपदा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 70 का क्वेश्चन, यह कथन किनका? पर्यावरण में उन तत्वों या ऊर्जा की उत्पत्ति को प्रदूषण कहते हैं जो मनुष्य द्वारा अनचाहे उत्पादित किए गए हों, जिनके उत्पादन का उद्देश्य अब समाप्त हो गया हो, जो अचानक बच निकले हो, जिनका मनुष्य के स्वास्थ्य पर अकथनीय हानिकारक प्रभाव पड़ता हो। ये कथन है लॉर्ड केनेट, ये लॉर्ड केनेट के द्वारा कहा गया है। 76 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है मानव पर, जंतुओं पर, वनस्पतियों पर, उपयुक्त सभी पर। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी पर। 77 नंबर का क्वेश्चन है, वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना कहलाता है? इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण, इसका आंसर होगा वायु प्रदूषण। 78 नंबर का क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? इसका आंसर होगा 1981 में लागू किया गया। 79 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में भारत सरकार प्रयत्नशील है? इसका आंसर होगा हाँ, इसका आंसर होगा हाँ।
18 नंबर का क्वेश्चन है, किस योजना के माध्यम से गंगा, यमुना, दामोदर और गोमत्री को प्रदूषण विमुक्त किए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 1995 के तहत गंगा, यमुना, दामोदर और गोमत्री को प्रदूषण विमुक्त किए जाने का प्रावधान है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।